मेरी शादी नहीं है। मेरा दो हेलो कंपेनियंस, मैं हूँ श्वेता और मेरे इकलौते चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। तक एक वजह से आए थे, ये वजह ये है और ये वजह की वजह आपको दिख गई होगी। ये चूड़िया हमारी दोस्त शादी करने जा रही है, गर्ल ग्रुप की फर्स्ट लेडी जो सबसे छोटी है और सबसे पहले शादी करने जा रही है लड़की। अरे यूट्यूब पे हम लोग ये बना रहे हैं, ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। आ जाओ बहनी भी आ रही है। बहन नहीं हूँ मैं, ये देखो ऐसे बैंगल्स डाली है जैसे कि इसकी शादी है, बट मेरी शादी नहीं है। क्यों ऐसे डाली है? ये मेरी बहन की शादी है इसीलिए। बहन बहन का झगड़ा आपके घर पे भी होता होगा। मिल ही चुके होंगे लास्ट में। हाँ, अब वो ब्लॉग कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना? मैं नहीं बताऊंगी। देखी होगी नहीं आप लोग? नहीं देखी तो कुछ मत देख, कुछ मत देख। देखो ये ऐसी होती है दोस्त, ऐसी होती है। मेहंदी का मेहंदी मेहंदी का मेहंदी रच गई है, रचने वाली नहीं है। हम लोग एक दिन लेट चल रहे ब्लॉग के, हम लोग कल निकले थे पर कल का मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम ट्रेन में थे और बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। गिर जाएगी। तो आज हम नहा धो के एकदम रेडी हो गए। अरे लड़की देखो मैं आइडिया दे रही हूँ स्टूडेंट, चलो जाओ तुम लोग, चलो भागो, मेरे को काम है, चल भाई उसको पूछना। आज पेड़ के नाम के लिए बुला लेते आई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। चलो को मैं बताऊँ कौन से पेड़ लगाए आपने। किधर रख? ये बर्गर का पेड़ है। और ये लेमन का है। कौन सा? नींबू का, ये छोटा वाला है। कहाँ पर है? एक है नीचे, ये फर्स्ट झाड़ है। हाँ वही ये ना, ये हाँ ये नींबू का है। और कौन सा है? पता नहीं, चीकू का बोल रही थी ना तू। चीकू मतलब इधर दो ही है? सिर्फ दो बताने के लिए मैं तुझे इतना दूर से लेके आई। देखो मेरे संघर्ष देखो आप। चलो अब जाके सो जाते हैं, बर्तन धो रहे उधर और आई एम एंजॉयिंग द सनलाइट। मैं इस ब्लॉग में एक दिन लेट चल रही हूँ। हम लोग आज ही दूसरा दिन है, आज उसकी हल्दी बैंगल्स का कुछ रिचुअल है, फिर बाद में कल शादी है और दूसरे दिन हम लोग वापस चल जाएंगे। मैं सब ब्लॉग करूँगी, आप देख लेना और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते क्योंकि सुबह बस में भी बहुत भीड़ उड़ हो गई थी और सीटर कसम से मत लेना कभी भी, झगड़े ही झगड़े होते हैं और सोने तो मिलता ही नहीं आपको। सो जाती है, चलो एंटरटेनमेंट के लिए आ गए। मैं तो हाय मार, हाय 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 बाय। वी सी या वी हुकिंग बैक अप एंड व्हेन दे बैंग दिस वाओ व्हाट अ सेवेज रिप्लाई। चलो मैं कोमल की हल्दी में मिलती हूँ, अंधेरा हो चुका है, बहुत आ रहा है। कोमल मिलो कैसे? Thank you.
बाबू मुझे देख देख के जा रहा है कि दीदी ये क्या कर रही है, तो दीदी ब्लॉगिंग कर रही है। चलो उधर चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ कर देती हूँ। लेट्स गो। देखो इधर जूते चोरी करने का षड्यंत्र हो रहा है। अब आपसे कल मिलते हैं, अभी सोने जा रहे क्योंकि बहुत थक गए हम। और अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेन का मिनी ब्लॉग बनाऊं, तो मैं बनाऊंगी और उसको इंस्टाग्राम में डालूंगी। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, मैं अभी इधर ही कहीं पर उसका लिंक दे दूंगी। मैं पागल हो गई कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि हम ट्रेन में भी आज सो नहीं पाए झगड़ा झांसू की वजह से। अभी सोने जा रहे हैं, शादी 7-8 बजे, हमको 5 बजे उठने का, और आज 11 बज चुके हैं शायद। तो हम आपसे कल मिलते हैं, टिकटी ले रहे हैं। कल वैसे हम लोग दूल्हे का जूता चुराने वाले, तो आप भी हमारे साथ आइए। ऑल द बेस्ट बोलिए हमें, ऑल द बेस्ट। चलो कल मिलते हैं तो उनकी शादी में, और कल मेरे पास कोमल के लिए एक सरप्राइज है जिसको लेके वो चौंकने वाली है। आई एम रियली मच श्योर चौंक जाए, और जो मैंने सरप्राइज सोचा है वो सफल हो जाए। आशा करिए आप भी, आप तो ब्लॉग बाद में देखेंगे, पर सफल हो जाए, सफल हो जाए। तो चलो कर लेते हैं, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्लॉग। कोमल ने कहा कि इधर सनराइज बहुत अच्छा होता है, तो वो देख ले, इसलिए मैं आपको अभी उसका भी दीदार करवाऊंगी। अश्विनी इज हाई ऑनर सदी, कल रात से छींक रही है लड़की, छींक छींक के मेरे को भी हो गई, उसके बाद में सो रही थी मैं। देखो अभी बहुत है, मैं आपको अभी उसका दीदार करवाती। चलो, मेरा चेहरा दम भोंदू जैसा लग रहा है, और ट्रांसिशन करना चाहिए था, मैं इसको बोल रही थी कल करते, पर बाक आने के बाद ना सब एकदम दिखाते। आप देख पा रहे हो, चांद छुपा बादल में, इसका तो पता नहीं, मैं जरूर डूब जाऊंगा। हेलो कंपेनियंस, आई एम बैक। तो ये था सरप्राइज, कोमल मुझे बहुत साल से
साड़ी में देखना चाहती थी, इसलिए आज मैंने उसके लिए ये सरप्राइज तैयार किया। मैंने खुद ही साड़ी पहन ली। अरे खुद ही तो साड़ी पहनते। चलो आधा फंक्शन कोमल का मिस हो चुका है इस साड़ी के चक्कर में। अभी हम चलते हैं और आपको आगे का अपडेट देते हैं। चलो चलते हैं, देखते कोमल का रिएक्शन क्या रहेगा। अब बाद में रिसेप्शन रहेगा तो मैं शायद चेंज भी कर सकती हूँ। चलो मैंने ही नहीं, हम दोनों ने साड़ी पहनी, मतलब मैं और अश्विनी ने। वो बोली थी तू नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी। ये देखो अश्विनी ने भी पहनी। लग गया। बोलना चाहिए था ना, तो तूने कॉल कब किया? हम गाड़ी में थे। कोमल कैसा लग रहा है? बहुत सर पे है। अरे मैं कैसी लग रही हूँ? तेरा तो पता है, तू तो अभी हम लोग तेरे साथ ही रहने वाले। अच्छी दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड। सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरा, मैंने कहा था ना शौक हो जाएगी। इसका मैंने रिएक्शन रखा है थंबनेल में डालने के लिए। मुझसे कहा था ना कोमल चौक जाएगी। सच में मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी, वर्स्ट भी था और अच्छा भी था। फोटोज़ तो आई है कि अच्छी आई है, वो भी मैं पोस्ट कर दूँगी, आप देख लेना। इंस्टाग्राम में मेरे को ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं उसे लिंक इधर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इधर कहीं पर डाल दूँगी अपना यूज़र नेम। आई एम श्वेता 20। अश्विनी को बहुत नींद आ रही है, वो सोने जा रही है। और ये कैसा लग रहा है वैसे? पिंकी पिंकी आउटफिट पता है मैं पहनूँगी, क्योंकि हम उसको छोड़ के आ गए, क्योंकि मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था और मैंने चेंज कर लिया। अभी चलो चलते हैं। मैं पहली बार कोई साउथ इंडियन वेडिंग अटेंड कर रही हूँ और बहुत जीजू के जूते चोरी करने वाले थे पर वो बहुत शाने निकले, जूते की जगह किटो पहन के आए थे। फिर वही हो जाएगा ना, अगर चोरी भी करेंगे तो बोलेंगे रख लो रख लो, इससे अच्छा हमने चोरी नहीं की। अभी वो रिसेप्शन में क्या पहन के आए उसके हिसाब से हम चोरी करेंगे। और जल्दी आने की वजह से रिसेप्शन से कोमल की हमारे से नाराज़गी और बढ़ गई, और मतलब गुस्सा हो गई हमसे। हम लोग को बोली थी रुकने के लिए पर हम जल्दी आ गए क्योंकि हम कंटाल गए थे, पर अभी हम फिर से मिलने जाएंगे।
क्योंकि कल हम जाने वाले, तो आज उससे मिल के जाना ही पड़ेगा क्योंकि कल हम जल्दी सुबह निकल जाएंगे, 4-5 बजे नहीं 8 बजे तक निकलेंगे, तो मिल के आज ही जाना पड़ेगा नहीं तो कल टाइम मिले या ना मिले तुम चला गया। कल ही तो आए थे और आज जा रहे, मतलब कल जा रहे, पर क्या कर सकते हैं, हमारी यहाँ आने की वजह ही वही थी, मुंबई से इतना दूर आने की, कर्नाटका, वही वजह थी। और उस वही चली गई तो हमारी वजह भी चली गई। बहुत फिल्में डायलॉग मार रही हूँ मैं, पर ही सच है, हकीकत है ज़िंदगी का। तो अभी उससे फिर मिलने जाएंगे, मैं आपको उधर भी उससे मिलवाती हूँ, देख लेना कितनी गुस्सा है, कोई बात नहीं। हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जूता चुराने का तो हमारा पूरा प्लान था, पर लेकिन बोलते ना रिसेप्शन में सब तैयार होके आते तो वो भी वैसे ही आए, तो हमारे जूता चुराने का पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया। तो आपको समझ ही गया होगा कि हम कहाँ पर आए थे, कर्नाटका द सिटी ऑफ गॉड। हमको अंदर एक्सप्लोर करना था, पर लेकिन जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि अंदर नहीं जाने देते, तो नहीं जा सकते। सॉरी गाइस, आई कांट शो यू दैट। 2000 ईयर्स लेटर। हेलो कंपेनियंस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा day 3 है और आज ही हम निकल रहे हैं। इधर से हम कोमल की नानी के यहाँ जाएंगे, उन्होंने हमें कल बुलाया था, वो अपने घर चली गई, तो आज पहले उधर हम जाएंगे, फिर उधर से होटल, उधर अगर स्टेमिना रहा तो घूम लेंगे शाम तक, नहीं तो घर पे ही पड़े रहेंगे। सो गई थी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, कोमल क्या गई, कोमल की हालत ही पूरी ख़राब है, बात करने के मूड में ही नहीं है लड़की, वॉमिटिंग में वॉमिटिंग ही हो रही है उसको, सुबह से स्माइल कर करके थक गई, इतना तो अपने फ़ोटोज़ में भी नहीं की होगी। वो तो चली गई अब, क्योंकि बर्थडे में आएंगे, मिलेंगे हम लोग, देखते हैं अब वो भी मिलती है, क्योंकि मुंबई आने का क्या उसका फिक्स नहीं हो जाता। Let's hope for the best.